हाँ बोल ना क्या स्कूल में नहीं हूं मतलब अरे मेरी बच्ची तो रो क्यों रही है आलिया आलिया बता तो दे हुआ क्या एग्जाम में क्यों नहीं बैठने दे रहे फीस तो दे दी थी अच्छा इस टर्म की ठीक है देर हो गई भर देंगे अरे आलिया ऐसा नहीं होगा मुझ पे भरोसा है ना आलिया सुन तूने मुझे कभी भी रोते हुए देखा है नहीं ना तो बस सब ठीक हो जाए तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बाकी तू मुझ पे छोड़ हाँ फीस दे दूंगी मैं तू टेंशन मत ले आती हूँ मैं तो कहने दो ना पारुल को जो कहना है लो बेना भी आ गई मैंने तो सोच लिया कि हम सलमान खान के गाने पे डांस करेंगे अकेले ही करना क्यों बेटी की शादी में डांस नहीं करोगे करूंगा ना मगर सिर्फ शाहरुख खान के गाने भाभी वो मुझे माँ कहाँ खोई हो अरे उनका नाम किसका नाम क्या नाम है उनका अरे यूसुफ खान दिलीप कुमार माँ मैं तो उन्हीं के गाने पे डांस करूंगी क्यों नहीं भाभी मुझे आपसे तुम कौन हो मैं बेना माँ अपनी बेना उसके बिना वैसे भी आपका कुछ नहीं बना है हाथ सैनिटाइज किया है कि नहीं मुझे बीमार नहीं पड़ना है अस्पताल में कमी है उसकी क्या कहते हैं उसको उसको वाइब्रेटर हॉस्पिटल्स में वाइब्रेटर की कमी है माँ सिलेंडर माँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है हाँ तो बात एक ही है ना दोनों में से जान में जान आती है अरे बोलो भाभी मुझे आपसे वो आलिया को एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे भाभी फीस देने में थोड़ी सी देरी हो जाती है ना मुझे तो थोड़ा सा एडवांस चाहिए था नहीं तो बोलते स्कूल से निकाल देंगे ऐसा कुछ नहीं होगा तुम शाम को ना जाने से पहले मुझसे पैसे लेना ठीक है पैसे कल मिलेंगे क्यों अरे पारुल की पूरी शॉपिंग पड़ी है कैश तो लगेगा ना तो कितना ना और चले मैडम साड़ियों की दुकान खुल गई होगी कितने पैसे मांगने वाली थी वैसे वो मुझे नहीं पता हाँ तो पूछ लेते ना भाभी मुझे कैसे भी करके उसको स्कूल से निकाल देंगे भाभी मैं बात करती हूँ फिक्र मत करो हो जाएगा अच्छा सुनो वो तुम्हारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स और रकम वो भाभी को एसएमएस कर देना मैं अपने ऑफिस से कह के पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा थैंक यू भाई कोई बात नहीं खुश कहा था ना मैंने इनका ऐसे ही है पहले नाना करेगा फिर हाँ ऐसे काफी रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी थैंक यू भाई माँ बाय बाय माँ कितने साल से गाड़ी चला रहे हो 3 साल से सर तो आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस है जी साहब ये कौन है बिना सर बिना क्या पूरा नाम बिना शाह सर बिना और केतन फैमिली की तरह है हमें इन पे कोई शक नहीं है ना मैं कहती हूँ पारुल ने चोरी की है माँ पारुल अटलांटा में है पारुल कौन हमारी बेटी उसी की शादी का सेट था तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ मुझे आधार होता है ना आधार कार्ड है तुम्हारे पास घर पे लेकर नहीं आई हूँ आज कल दिखा दूंगी कहाँ रहती हो तुम माहिम में रहती हूँ तो रेलवे पास वो होगा ना वो दिखा बस लेती हूँ मैं बस टिकट है ना या बिना टिकट के ट्रैवल करती हो अंदर कर दो तुम्हें नहीं मैं टिकट लेके आती हूँ सर प्लीज टिकट बैग दिखा
टिकट है ना सर? देखा। आपको टिकट देखना है ना सर? साइड में जाओ। टिकट तो हाथ में है सर। सर टिकट तो यहाँ है ना सर, आप बैग तो दे दो ना सर। भाभी टिकट देखने बोलो ना, भैया बोलो ना टिकट। भाभी सर टिकट यहाँ पे है ना। आप बैग क्या देख रहे हो सर? मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। अरे मेरी जॉब चली गई, तू बात करके देखना अपनी मैडम से। अरे जॉब गई क्योंकि क्योंकि उनकी कामवाली वापस आ गई थी। एस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट आई एम गुजराती, काई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, तमिल नहीं आती। हाँ प्योर वेज बनाऊंगी ना। नहीं सांबर रसम नहीं आता, लेकिन यूट्यूब पे देख लूंगी तो झट से बना लूंगी। अरे सच्ची बोल रही हूँ मैडम, नहीं आता, झूठ काई को बोलूंगी। आप सिखाओगे तो तमिल भी बोल लूंगी। हाँ हाँ आता है ना डायपर बदलने। अरे तू नौकरी तो दिला ना पहले। मतलब ये क्या बात? बोलना केतन भाई। बेना सेट मिल गया? वो तो मिलना ही था, भाई को जल्दी थी ना पुलिस को बुलाने की। वैसे सेट कहाँ मिला? वॉशिंग मशीन में। भाभी मशीन में कपड़े डाल रही थी तभी मिला, फिर माँ को याद आया कि उन्होंने रखा था वहाँ पे। माँ की हालत दिन ब दिन बहुत डाउन होते जा रही है। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ बेना। हेलो जी, मिसेस नार्वेकर, मैं बेना, बेना शाह। नहीं मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, मुझे निकाला गया नाम की वजह से। ठीक पहचाना क्या? तो मैं आ जाऊं कल से? हाँ अभी से। शुक्रिया मिसेस नार्वेकर जी। हेलो जी, मेरा नंबर आपको किसने दिया? भाभी, मेरी भाभी ने, और फीस भी। ठीक है मैं अभी आती हूँ, अभी आके आपसे मिलती हूँ।